बस में बैठे या एसी बॉक में रिजर्वेशन करके बैठे, हम गरीब लोग हैं, हम लोग तो इसमें ही आएंगे। क्या एज है आपकी? मेरी 70 साल की एज है। 70 ईयर्स। हाँ, और बाईपास हो रहा है मेरा, मेरा बाईपास हो रहा है, फिर भी मैं चल रहा हूँ, मुझे जाना है। कितनी माँ बहन को छोटे छोटे बच्चों को लेके परेशान हो रही है कि क्या कंडीशन हो रही है हमारी, हमको जगह नहीं मिल रही, सीट मिली माता बहने कैसे बैठी, हमारा हमको परेशान है, हम आम इंसान है, लोग गिर रहे बाहर भैया, बढ़ाती है। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार तक अपनी बात पहुँचाइए, मोदी सरकार जी के पास, और उनसे कहिए जो ट्रेन में और 2-3 डब्बा जनरल बढ़ावे, जो गरीबों को तकलीफ ना हो। तो ये इंदौर से पूना जाने वाली दौंड एक्सप्रेस है जो इंदौर से करीबन 4:30 बजे शाम को निकलती है, और इस एक्सप्रेस ट्रेन में सिर्फ 2 जनरल कोच जोड़े जाते हैं, एक ट्रेन के आगे वाले हिस्से में और एक पीछे वाले हिस्से में, और मैं इस वक्त सवार हूँ ट्रेन के जो सबसे पीछे जनरल कोच जोड़ा जाता है, और ये एक ही कोच है, और इस कोच में हमने इंदौर से शुरुआत की है सफ़र की, और आप देख सकते हैं इस कोच की जो स्थिति है, इस कोच में ये स्थिति है कि यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं है, जहाँ पर जगह मिल रही है लोग वहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। अभी तो ये सफ़र की शुरुआत है, इंदौर से ट्रेन शुरू हुई है, और इस कोच में अभी से ये हालात है कि ये हाउसफुल है, मतलब यहाँ पर और अगर 10 आदमी आए तो उनके आने की भी गुंजाइश नहीं है। कहाँ तक जाना है आपको? कहाँ? पुणे। पुणे तक जाएंगे, तो ये बताइए ना कि पुणे तक जाने के लिए आप जनरल कोच में क्यों जा रहे हैं? रिजर्वेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, तत्काल में जनरली मिलेगी नहीं? तत्काल में जाना है तो जनरली मिल रहा है जी। तो आपने कोशिश करी थी रिजर्वेशन के लिए? जी नहीं। नहीं की? इसका क्या टिकट है इंदौर से पुणे तक? 285। अच्छा, तो आज जैसे आपको यहाँ जगह मिल गई है ऊपर बैठने की, तो इंदौर से पुणे तक आपको यहाँ बैठ के ही जाना है या आप इधर बैठ के ही जाना है? आप कहाँ तक जा रहे हैं? सूरत तक जा रहे हैं। तो आपको ये जनरल कोच में जाने का क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्या कारण से आप जनरल में जा रहे हैं, रिजर्वेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे रिजर्वेशन में हमको टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। रिजर्वेशन में टिकट नहीं मिला, स्लीपर जाना जरूरी है। 80-85 का वेटिंग चल रहा है, टिकट ही मिल नहीं रहा। टिकट मिला तो लेने को, ये थोड़ी है। हाँ, मजबूरी में ही लो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। टिकट ले भी लेते अपन तो वहाँ पे एंट्री देते नहीं? नहीं देता एंट्री। हाँ, तो फिर ये देखिए ना कितने हम लोग परेशान हैं, हम लोग कितने माँ बहन को छोटे छोटे बच्चों को लेके परेशान हो रही है कि क्या कंडीशन हो रही है हमारी, हमको जगह नहीं मिल रही, सीट मिली माता बहने कैसे बैठी, हमारा हमको परेशान है, हम आम इंसान है, डेली वाले रोज परेशान होते हैं हम लोग आने जाने में। आप कहाँ तक जाएंगे? हम जहाँ भी जाएं, हम चाहे लोग, हम उज्जैन तक जाएंगे, मगर हम रोज है ना बहुत संघर्ष करते हैं,
बहुत दिक्कत आती है हमको, हम लेडीज कैसे ट्रेन पकड़े, इतनी भीड़ आती है ट्रेन में, ना हमें कोई सीट मिल रही, ना देखो एक पैक दो दो तीन तीन जने बैठे। क्या कारण है कि आप जनरल में सफर कर रहे हैं परेशान होकर? आपको टिकट मिल नहीं रहा है, रिजर्वेशन का क्या करें? नहीं एसी का मिल रहा है, रिजर्वेशन का टिकट एसी का भी नहीं मिल रहा है, क्या करें? खाली ही नहीं है डब्बा, तो टिकट खाली ही नहीं, मिल नहीं पा रहा है। कितने दिन पहले आपने प्रयास किया था बुकिंग करने का? 15 दिन से प्रयास कर रहा हूँ तत्काल टिकट लेने का और खाली वाला लेने का। 15 दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, 5 दिन से तो मैं लगातार जाता हूँ बारी पे कि मिल जाए वो तत्काल वाला, नहीं मिल पा रहा है। अच्छा तत्काल भी नहीं मिला आपको, तो आप इंदौर से पूना तक जाएंगे? ना ये इंदौर से जाए पूना तक नहीं जाएंगे, सूरत तक, सूरत तक जा रहे हैं। ये कब पहुँचाएगा सूरत? लगभग 12 बजे रात को पहुँचाएगा। रात को 12 बजे, लंबा सफ़र है देखा जाए, 8 घंटे का सफर, 8 घंटे का, और ऐसे ही एक ही जगह बैठ के ऊपर? अब यही बैठ के हाथ पैर फैलाने को नहीं मिल रहा है, क्या करें? और उधर से प्रयागराज से मैं आया इधर इंदौर जी, उसमें भी जनरल में आया, वहाँ तो बैठने का नीचे मिल गया था जी, अब इसमें तो ऊपर बैठ गया हूँ। क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ 2 ही कोच लगे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंजक्शन ज्यादा है, मतलब ज्यादा। जनरल तो कोच 2 ही रहता, आगे नहीं होगा क्या? एक आगे एक पीछे है, ये 2 ही कोच, तो कोच भी कम है इसमें, कोच कम है, कम से कम 4 कोच होना चाहिए जनरल का। नहीं देखिए भारतीय रेलवे जो है वो धीरे धीरे जनरल कोच की संख्या घटाते जा रही है, पता है आपको इस बारे में? पहले 6 कोच लगते थे, फिर 4 किए, नहीं वो रिजर्व स्लीपर भी कम कर रहे हैं, थर्ड एसी बढ़ा रहे हैं, थर्ड एसी बढ़ा रहे हैं, फिर वो भी बढ़ा रहे हैं, फिर भी मिल तो नहीं रहा ना उनको, गाड़ी बढ़ाने की जरूरत है ना। नहीं थर्ड एसी में आपको मिल सकता है, थर्ड एसी में फिर भी मिल जाता है, लेकिन सेकंड क्लास और जनरल में, सेकंड क्लास में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है भैया। आज किसी में, आज के समय में किसी भी में नहीं मिल रहा है थर्ड एसी, क्या हो वो भी 4 महीने के पहले लो तो शायद मिल जाए, बाकी बीच में नहीं मिलने की कोई। देखा जाए तो लंबी जो ट्रेनें रहती हैं, जो लंबी जाती हैं, वो अगर एक ही, अभी तो फिलहाल ये इंदौर से पुणे जाने के लिए एक ही ट्रेन चलती है, और इसमें भी जनरल के कोच कम है, जैसा आपने अभी बोला कि जनरल के कोच कम कर जा रहे हैं उसके। और पहली बात तो हमको एसी और इसका, एक तो नॉर्मल लोग हैं तो हमको उसकी फेयर हम लोग पे करनी पर कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात जो स्लीपर है उसमें सीटें मिल नहीं रही, ठीक है, और जनरल के भी कोच हटाए जा रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हो कि एक यहाँ पर है और एक आगे वाले में, और भीड़ इतनी ज़्यादा है, भले जो रेगुलर भी अप डाउन जो करते हैं उनको भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि रेगुलर जो चलते हैं यहाँ से उज्जैन जा रहे हैं, यहाँ से देवास जा रहे हैं, जहाँ तक कभी सफ़र करते हैं उनके लिए भी वहाँ, उनको भी जगह नहीं मिलती, और जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला वो भी इसी में आते हैं, तो उसके कारण क्या भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें, तो ये मेन रीज़न है। और अगर अपन देखा जाए तो ये मेन कारण अगर अपन देखें तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आप जैसे अपन जानते हैं कि जो एसी के कोचेस अब धीरे धीरे बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है, और जो जनरल के कोच हैं वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, उसके पीछे अब प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट कंपनियों का इन सब का काम ही क्या रहता, प्रॉफिट मेकिंग, जहाँ तक कि गवर्नमेंट जो है उसका काम क्या रहता है कि लोगों का भला करे, सर मतलब उसका काम ही है सरकार का कि लोगों का भला करे और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करे, पर जो प्राइवेट रहती है उसका तो कोई मतलब ही, उसका मेन एम ही यही रहता है प्रॉफिट मेकिंग का, तो जिसके पास भी ये कॉन्ट्रैक्ट जाएगा वो तो यही चाहेगा कि जितनी ज़्यादा पैसा आए। जो फर्स्ट क्लास में बैठे या एसी बॉग में रिजर्वेशन करके बैठे, हम गरीब लोग हैं, हम लोग तो इसमें ही आएंगे, तो इसके लिए तो 2-3 डब्बा सरकार को बढ़ा के देना चाहिए, पब्लिक को तकलीफ हो रही है आने जाने में, तो हम, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार तक आप ये बात पहुँचाइए मोदी सरकार जी के पास, और उनसे कहिए जो ट्रेन में और 2-3 डब्बा जनरल बढ़ावे, जो गरीबों को तकलीफ ना हो। लेकिन देखिए गवर्नमेंट तो उल्टा जनरल कोचेस कम कर रही है, आपको मैं नॉलेज में डाल दूं, पहले सभी सुपर फास्ट ट्रेनों में 4 जनरल कोच होते थे, 2 आगे और 2 पीछे, अभी फिलहाल में कुछ गाड़ियों में सिर्फ 2 हैं, 1 आगे 1 पीछे, और किसी किसी में 3 हैं जी। तो प्रश्न तो उल्टा ये हो गया है कि गवर्नमेंट तो कम कर रही है, आप कह रहे हैं बढ़ाइए, तो बढ़ा, पहले तो थे 4, हाँ, अभी 4 से 2 कर दिए, 2 कर दिए हैं, अभी 3 कर दिए, पता चला फिर वो भी बंद कर देंगे, तो गरीब लोग जाएंगे कहाँ? यही तो प्रश्न है, पास तो पैसे नहीं है, जो रिजर्वेशन बोगी करे या एसी बोगी रिजर्वेशन करे उसके लिए तो गरीब के पास पैसे नहीं है, सुबह से मेहनत करते हैं, मेहनत जवान लोग कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, बुड्ढे लोग जो जिनको बैठना ही नहीं आता, खड़ा नहीं होना आता, आप भी खड़े होके ही ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ आपकी क्या एज है? लेडीज को बिठाया अभी,
क्या एज है आपकी? मेरी 70 साल की एज है। 70 ईयर्स। हाँ, और बाईपास हो रहा है मेरा। मेरा बाईपास हो रहा है फिर भी मैं चल रहा हूँ, मुझे जाना है। कहाँ तक जा रहे हैं आप? नागदा जंक्शन जा रहा हूँ मैं। नागदा जंक्शन जाएंगे, कम से कम मान लीजिए 3 घंटे का ट्रैवल इंदौर से। मतलब जैसे आम लोगों को राहत मिल जाए वैसा काम तो होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वरना जिस गवर्नमेंट को हम वोट देकर जिताते हैं वो हमारे साथ नहीं मान्य करती है। जीतने के बाद में डब्बे बनाना चाहिए, कुछ भी सहूलियत देना चाहिए। स्लीपर खाली जा रहे हैं, स्लीपर में बैठे जो दूसरा लोग घुसते हैं तो चार्ज मांगते हैं, आप कैसे घुस गए, क्यों घुस गए, ऐसा थोड़ी होता सर। जनता हमें बड़े उम्मीद से जिताती है कि भाई हमें थोड़ी बहुत सहूलत मिले, हमें लड्डू पेड़े या वहाँ नहीं बैठना खाती पर, हमें इतनी तो सहूलत मिले कि जो हम अच्छी तरह पहुँच जाएँ। हम भी तो सरकार को वोट देते हैं ना, अगर हम वोट देना बंद कर देंगे तो सरकार क्या करेंगे? ये प्रश्न आपको सरकार से पूछना चाहिए। तो सरकार जी का आवाज हमारी आवाज उन तक पहुंचाइए तो हम उनसे बात करें, कैसे बात करें, कहाँ मिलेंगे वो? गरीबों को घर में थोड़ी मिलने आएंगे वो, नहीं आएंगे। गरीब सुबह से मेहनत करती है, शाम को 2 रोटी खाती है, वो भी भाजी राशन सब कुछ महंगा कर दिए सरकार ने, ऐसा नहीं होता है ना सर जी। हमारी आवाज सरकार तक पहुँचे तो आपको आप ये बताइए ना कि इतना परेशान हो के आपको 10 घंटे 8 घंटे का ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो आपने रिजर्वेशन नहीं लिया क्या? रिजर्वेशन क्यों नहीं किया आपने? इमरजेंसी में था ना, इमरजेंसी में जाना था इसलिए। इमरजेंसी में आना था तो हाँ, रिजर्वेशन नहीं कर पाए या फिर मिला नहीं, करने का कोशिश किया था, टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला हाँ। तो अभी बिना सीट के आप पूरा रात को 8 घंटे का ट्रेवल आपको करना है और सीट नहीं है? परिवार साथ हैं आपके? पूरे हाँ, सारे लोग हैं? अच्छा, आप दो लोग हैं? हाँ, दोनों ही है। तो आप कैसे जाएंगे, इतना लंबा खड़े होके जाएंगे? देखेंगे, अभी जगह मिलेंगी तो बैठ जाएंगे, नहीं तो खड़े रहना पड़ेगा। तो आप गवर्नमेंट से, रेलवे डिपार्टमेंट से, रेल मंत्री से कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे ये जो परेशानी हो रही है आपको, क्योंकि टिकट तो आपने भी लिया ही है, पैसा भी दिया है, बावजूद उसके आप परेशान हो रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलने का, जो है वो है। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं जनरल के कोच बढ़ाने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो जनरल के कोच कम करते जा रही है। बढ़ाने चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है, डब्बे में जगह भी नहीं मिलती है, खड़े जाओ। ये स्थिति है इंडियन रेलवे की। एक तरफ सरकार जो है वंदे भारत ट्रेन आए दिन नए वंदे भारत स्टार्ट करती जा रही है, लेकिन वंदे भारत जो ट्रेन है वो एक तरह से अमीरों की ट्रेन है, क्योंकि वो कम से कम 5 से 6 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लेती है। अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है तो कम से कम उसका 2000 रुपए का किराया होता है, और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है, जो निम्न वर्ग है देश का, जो आम जनता है, वो आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से ट्रेवल करने के लिए मजबूर है। ये कई लोगों की ज़िंदगी में रोज का ये संघर्ष है। आप देख सकते हैं कई लोग अप डाउनर होते हैं, जो आसपास के शहरों से नौकरी करने या अपने काम से दूसरे शहरों में आते हैं, और ये ही स्थिति का सामना उन्हें रोज करना होता है। तो देश को वंदे भारत की आवश्यकता है या जनरल कोचेस की आवश्यकता है? जनरल कोच की। जनरल कोच की ज़्यादा, आप देख लीजिए ना जनता कितनी, जितनी उसमें एसी कोच में जितनी जनता नहीं होगी उतनी तो यहाँ पर जनरल में हो रही है, और जनरल में भीड़ देखिए आप, यदि यहाँ पर 2 डब्बे में जितनी जनसंख्या है, यदि इनको 4 कोच होते ना उसके बाद भी पब्लिक नहीं समाते, उसके बाद भी भीड़ ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। तो भारत सरकार से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जनरल कोच को बढ़ाए, एसी डब्बे कम किया जाए। हम क्या बोले, इतनी दूर से परेशान होते हैं, बच्चों के साथ में हम कि टिकट बढ़ा दिए हैं और जगह मिल नहीं रही है, हम धक्का मुखाते आ रहे हैं, तबीयत खराब है हमारी, इमरजेंसी में हमको जाना पड़ रहा है, हाँ जगह बिल्कुल मिलती नहीं है, सब रिजेक्शन करवा के बैठते हैं, और रिजेक्शन में घुस जाओ तो टीसी लोग हमको परेशान कर डालते हैं, 4 गुना फाइन कर देते हैं। फिर अब हम लोग बुजुर्ग कहाँ जाएंगे आप बताओ, कोई हमारे को कमाने वाला थोड़ी है, हम भी छुट्टी मजदूरी करते हैं, फिर पांव भी दर्द होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास बेचारे परेशान होते हैं, परेशान होकर जाते हैं, हम खंडवा से आ रहे परेशान होते हैं, बस में हमको जगह नहीं मिली, वहाँ से यहाँ भी जगह नहीं मिली, हम सुबह से खाना भी नहीं खाया। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है गोधरा, बड़ौदा। हाँ, अच्छा, गोधरा जाना। हाँ, हमारे सभी तबियत सीरियस है, हमको अर्जेंट में फोन आया, अर्जेंट में जा रहे हैं हम लोग, हम सुबह 6 बजे से निकले घर से,
फिर हमें तो परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सर, बताओ हमें क्या सुविधा मिल रही है सरकार से, क्या मिल रहा है हमें है? महंगाई इतनी बढ़ाई जा रही है, मजदूरी बिल्कुल बढ़ नहीं रही इंसान की है, क्या करें गरीब इंसान आप बताओ। रेशन बढ़ जाओ तो डीसी लोग परेशान कर डालते हैं, दुगना पैसा मांगते थे कहाँ से लाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी एक अलग अनुभव है हमारे लिए, ये इतनी खचाखच भरी हुई ट्रेन का जनरल कोच है, इंदौर पुणे ट्रेन है ये, और इसमें हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं उन लोगों का जो इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और ये ट्रेवल किसी चैलेंज से कम नहीं है। हमें बोलना है मोदी जी से कि दो चार गाड़ी के डब्बे और बढ़ाओ, जनरल डब्बे बढ़ाओ, करो। अब लेडीज़ कितनी परेशान हो रही है बताओ, यहाँ पे अभी किसी लेडीज़ को कोई बाथरूम आ जाएगा तो उसको परेशान कितनी होना पड़ेगी। इसमें तो शुक्र है कि इस ट्रेन में लोग टॉयलेट के अंदर नहीं बैठे हैं, अच्छा नहीं तो जनरल कोच में आमतौर पे लोग टॉयलेट के अंदर भी बैठ जाते हैं, ऐसे भी हालात हैं। पैसे तो ले रहा हूँ ना, कोई फ्री में तो नहीं पहुँचा रहा हूँ ना, एसी कोच बढ़ा दिए, तो ले रही ना गवर्नमेंट थर्ड एसी, गवर्नमेंट तो पैसे ले रही ना टिकट के, अभी मैं खड़ा जा रहा हूँ मगर टिकट के तो पूरे पैसे ले रही ना 145 रुपए, वो यूँ नहीं कह रही तुम खड़े जा रहे हो तो चलो 5 रुपए कम दे दो। अभी अपन बस वाले से कितनी बहस कर लेते, करे तूने सवारी में बिठाया था सीट दिखा के और तू खड़े ले जा रही, ला मेरे को 100 रुपए तो वापस दे, 50 रुपए में खड़े जाऊंगा मैं तो। खाने को सुधार देना चाहिए, क्या हाउसफुल हो गई भैया, सिनेमा का टिकट लेते तो बाहर क्यों लिख देता हाउसफुल हो गई भैया, अंदर अब जगह नहीं है, ऐसा ट्रेन में भी लिखना चाहिए कि भैया हाउसफुल हो गई यार, 100 डब्बे के टिकट थे हमारे पास, हमने 150 दे दिया, चलो 50 खड़े चले जाएंगे, अब बाकी 300 नहीं दे हम, मगर नहीं दे जाएंगे तो पैसा आन दो दे जाओ। अभी नहीं करते 70% सवारी वहीं स्टेशन पे छूट गई है, इंदौर स्टेशन पे कहाँ बैठी वो सब यार, जैसे मेट्रो में होता है बगैर टिकट के गेट नहीं खुलता है, वैसे रेलवे स्टेशन पे भी होना चाहिए भाई बगैर टिकट के वहीं गेट नहीं खुलता है। सारी सुविधाएं हो रही है उन लोगों के लिए जो प्रीमियम क्लास में सफर कर रहे हैं, ये जनरल कोच है तो गवर्नमेंट ने इसे गिनती से बाहर कर दिया है। आप सोचिए 24 कोच का एक ट्रेन होता है, 24 कोच होते हैं जिसमें सिर्फ 2 कोच कर दिए गए हैं जनरल के, मेट्रो के जैसे करना चाहिए, जैसे वहाँ पे कीमतें बढ़ा रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, थर्ड एसी अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं तो आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं वो, मेट्रो के जैसे करेंगे तो बगैर टिकट के कोई चढ़ेगा ही नहीं। आप फिर नहीं समझे, वो फिर बजट से बाहर चले जाती सारी चीजें, मेट्रो जैसी ट्रेन है वंदे भारत, उसका जो किराया इससे 10 गुना है, अगर यहाँ पे ये ट्रेन जैसा मैंने जो समझा है, ये ट्रेन यहाँ से पूना जा रही है 700 किलोमीटर और ये करीबन 285 रुपए ले रही है इंदौर से पूना के, और अगर आप इंदौर से पूना जितना ट्रेवल उसमें करते हैं वंदे भारत में तो 2400 से 2500 रुपए लगेंगे। इसमें भी टीसी चढ़ाना चाहिए ना, बगैर टिकट के जो चढ़ेगा तो वो देखना चाहिए, सुविधा देखना चाहिए और डब्बे बढ़ाना चाहिए, तो उसको भी मालूम बनना। कुल मिला के सरकार, देखिए आपका प्रश्न जायज है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, सरकार को जनरल कोच नहीं चाहिए, उन्हें धीरे धीरे विकास होगा जैसे हो रहा है लेकिन थोड़ा सुधार देना चाहिए, मिडिल जो लोअर क्लास है उसके लिए सोचना शुरू करें, उसके गवर्नमेंट अच्छा कर रही है लेकिन थोड़ा और सुधार देना चाहिए इसमें। नहीं अच्छा कर रही है चलिए, तो फिर ये रेलवे में तो मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उनको यही लग रहा है कि यहाँ तो अच्छा नहीं हो रहा है रेलवे में, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 70 साल की विकास 7 साल में नहीं होगा। नहीं अच्छा ये हो रहा है कि रोज एक नया वंदे भारत देश को मिल रहा है, लेकिन आप ही समझिए कि अगर इंदौर से पूना वंदे भारत को चालू किया जाएगा और उसका 2500-2600 का किराया आ रहा है किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि वो करीब करीब 4 रुपये किलोमीटर चलता है, 700 को 4 से करोगे 2800 रुपये हो रहा है, तो क्या आप ट्रेवल उसमें करना पसंद करेंगे? सुविधा होंगी तो करेंगे, सरकार तो क्यों नहीं पसंद करेंगे? तो फिर इसका जो एसी कोच है, ये मैं इतने लोगों से बात करके आया हूँ, इसके एसी कोच में क्यों नहीं जा रहे हैं फिर लोग? हा? वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं एसी कोच में? क्योंकि पैसा नहीं है, जो देखिए रियलिटी है आप समझो, देखिए बोलना आसान है, जिसके घर का आठ आदमी इस कोच में, मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, 8 आदमी ट्रेवल कर रहा है, वो 2500 रुपए एक जने का देगा
आठ आदमी का 20,000 रुपए होता है। आपको लगता है हिंदुस्तान का जो लोअर क्लास एसी का स्लीपर में बैठ सकता है? स्लीपर में तो टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो फिर वही है ना, गवर्नमेंट को कोच बढ़ाना चाहिए। एग्जैक्टली, फिर अपन कहाँ आ गए? गवर्नमेंट लोअर क्लास पर ध्यान दे, जनरल क्लास मतलब जो जनरल कोच है उसे बढ़ाएं। लोअर क्लास पे ध्यान दे रहे हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा स्कीम में किसको बांट रहे? तो इसमें फॉल्ट किसका है? फॉल्ट किसका है? सरकार का फॉल्ट है बताइए, सरकार का फॉल्ट है, सरकार का तो फॉल्ट नहीं है। आपके हिसाब से ये जो समस्या है इसका क्या हल है? इसका समस्या हल होगा, करेगा सरकार, बढ़ाएगा डिब्बे, बढ़ाएगा वो भी देखेगा तो बढ़ाएगा। और बंद करने के रहे हैं वो तो देख चुका है, उसको तो पता है। अरे नहीं बंद होगा ऐसे, पहले अरे पहले चार थे, दो पीछे दो आगे, अब एक एक ही कर दिया। अरे पहले चार थे आज छह करेंगे, थोड़ा समय, अरे समय लेने पे करेगा, ऐसे थोड़ी ना कर देगा। कितना समय चाहिए? 50 साल? थोड़ा समय लेने पे, अभी तो सरकार आ रही है। अरे कितनी बार आएगी? अभी आनी, अभी और आनी, कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी के बाद अब कौन सरकार आएगी? अभी तो और अच्छे से। अच्छा आम आदमी पार्टी आएगी? आम आदमी पार्टी आएगी? आम आदमी पार्टी का हालत जाकर देखो दिल्ली में क्या है। और कौन सी सरकार आएगी? जाकर देखिए दिल्ली में क्या हालत है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के 10 दिन तो जेल में पड़े। जाइए जाइए दिल्ली देखिए, आम आदमी पार्टी जाइए। सरकार आएगी तो कौन सी सरकार आएगी? दिल्ली नहीं चाहिए फ्री में, पैसा लेकर ही दे, सही है, वो फ्री वाला सिस्टम नहीं चाहिए। फ्री क्यों दे रहे बिजली? हाँ जब यूज कर रहे ना बिजली को, हाँ फ्री क्यों दे रहे? फ्री नहीं चाहिए, हर चीज का थोड़ा पैसा लेना चाहिए, लेकिन मिनिमम लेना चाहिए, फ्री कुछ भी नहीं देना चाहिए। करेंगे मोदी जी, जरूर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, करेंगे सबका साथ सबका विकास जरूर करेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। हाँ बोलना चाहते हैं अंदर वाले मोदी जी का जिंदाबाद। इधर तो मोदी जी आ गए, अब उधर वो आएगा, वो नया बनाए ना, वो आएगा।